किसी के पास 510 करोड़ तो किसी के पास 15 लाख करोड़। देश के 30 में से 29 मुख्यमंत्री करोड़पति, जाने की कौन कितना है रही। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश के सीएम YS जगनमोहन रेड्डी देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। उनके पास 510 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। और वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के पास सबसे कम संपत्ति है। जानने के लिए कितनी, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो जानिए आपके राज्य के सीएम के पास कितनी संपत्ति है, किस मुख्यमंत्री के पास कितना पैसा है, कौन कितना अमीर है। इसका जवाब मिल गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी सबसे अमीर हैं, जबकि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के पास सबसे कम संपत्ति है। मुख्यमंत्रियों की संपत्ति की ये जानकारी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में आई है। इस रिपोर्ट में 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की संपत्तियों का ब्यौरा दिया है। ये रिपोर्ट चुनाव के दौरान दाखिल हलफनामे के आधार पर तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आंध्र प्रदेश के सीएम YS जगन मोहन के पास 510.38 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है और करीब 2 करोड़ रुपए का कर्ज भी है। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू है, जिनके पास 163.50 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। तीसरे नंबर पर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक है, जो 63.87 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। ADR ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि देश के 30 में से 29 मुख्यमंत्री करोड़पति हैं। इनमें से 18 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 1 से 10 करोड़ रुपए के बीच में है। वहीं 8 मुख्यमंत्रियों की संपत्ति 10 से 50 करोड़ रुपए के बीच में है, जबकि 3 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं। ADR की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास सबसे कम संपत्ति है। उनके पास 15.38 लाख रुपए की संपत्ति है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये संपत्ति उन्होंने खुद कमाई है। केरल के सीएम पिनराई विजयन देश के दूसरे सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं। विजयन के पास 1.18 करोड़ रुपए की संपत्ति है। तीसरे नंबर पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं, जिनके पास 1.27 करोड़ रुपए की संपत्ति